इंदौर के सरवटे बस स्टैंड स्थित होटल में हुए हादसे के दौरान नगर के युवक आनंद पोरवाल की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिनका शव इंदौर से नागदा लाया गया। परिजनों के मुताबिक आनंद उक्त होटल में मैनेजर के काम पर कार्यरत था। ऋषि पोरवाल कल जो MS होटल में इंदौर में हादसा हुआ हो, उसमें आपके क्या लगते थे? मेरा ब्रदर आपको सूचना वगैरह कैसे क्या मिली, वो क्या करते थे वहाँ पे कार्य? वो मैनेजर की पोस्ट पर था वहाँ पे, और न्यूज़ के थ्रू खबर मिली थी तो मैं रात में निकला था। कितना समय हो गया था उनको वहाँ करते हुए? मिनिमम साल भर। कैसा क्या व्यवहार था उनका? व्यवहार तो भैया आप क्या बताऊँ, खुश मिजाज था, सबसे हंसी मजाक करता रहता था। बाकी आप नागदा में किसी से भी पूछ सकते हो उसका व्यवहार। शादीशुदा थे? नहीं नहीं, अनमैरिड। कितने भाई हैं? तीन भाई। सबसे बड़े थे? नहीं, बीच वाले। क्या नाम है? हरीश प्रजापत नाम है हमारा। आनंद पोरवाल जो हमारे खास मित्र हैं, हमको उनकी जानकारी लगी और जब हमें लगा कि वो MS होटल पर मैनेजर का काम करते थे, हम वहाँ गए। हमने तत्काल यहाँ से गाड़ी की, गाड़ी लेके हम तत्काल वहाँ पहुँचे। हमको फ़ोन गाड़ी पे आया, गाड़ी में फ़ोन लगा के हमने जानकारी ली कि उनको 1 बजे वहाँ से मलबे में से निकाल लिया गया है। जब उनको मलबे में से निकाला तो हम सीधा अस्पताल ही पहुँच गए। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा कि उसकी डेथ हो चुकी थी, हाथ पैर की हड्डी वगैरह और पूरा भेजा वगैरह बिखर चुका था उनका। और बाकी पुलिस वालों ने अपने हिसाब से लिखा पढ़ी करके कार्य को आगे बढ़ाया। सूचना किसने दी आपको? हमको सूचना हमको नेट के जरिए मिली। हमको ये जानकारी तो हमको रखते थे कि हमारा जो मित्र है वो MS होटल पे काम करता है। जब वो जर्जर थी तो वो तो धस गई थी, तो हमको इसे तत्काल खबर लगी और हम वहाँ पहुँच गए। कितना समय हुआ था उनको वहाँ करते हुए? उनको कम से कम 2 साल से हो गए थे, 2 साल से वो पोस्ट पर काम कर रहे थे। परिवार में और कौन कौन है उनके? उनके परिवार में पिताजी है, माताजी है, बड़े भाई साहब है, सभी सगे संबंधी हैं, यहीं पे खड़े हुए हैं, मित्र वगैरह हैं। ये उनके पिताजी हैं, आनंद जी पोरवाल, नाम चंदा, नाम बसंती लाल जी पोरवाल है। ठीक है।